बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के चैनल बावर्ची खाना में खुश आमदी। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आज एक बहुत मजेदार सा चाइनीज सूप लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ता है। सिंगल सर्विंग हम लेते हैं तो तकरीबन 250 रुपीज का एक हमें सिंगल पर्सन का बाउल मिलता है, और जब हम फैमिली बाउल ऑर्डर करते हैं तो तकरीबन 700 और 800 रुपीज का मिलता है। तो आज हम घर पे वही सेम बल्कि जम्बो साइज बाउल बनाएंगे कम पैसों में। ठीक है, तो हम बनाने जा रहे हैं हॉट एंड सॉर सूप। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन मेरे पास ये एक पाव कह लें बल्कि 300 ग्राम्स मेरे पास बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीस है। ठीक है, मेरे पास 3 चम्मच सफ़ेद सिरका है। ठीक है, और मेरे पास 3 चम्मच सोया सॉस है। ये मेरे पास 1.5 चम्मच सिरिराचा सॉस है। ठीक है, और मेरे पास 1 टेबलस्पून चीनी है, और मेरे पास 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। इसमें सेसमी ऑयल डलता है लेकिन मैं रेगुलर ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप सेसमी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, तिल का तेल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास 1/2 चम्मच सफ़ेद मिर्च है कुटी हुई ताज़ा, और 1/2 चम्मच मेरे पास नमक है। ठीक है, ये मेरे पास 5 मशरूम्स थे जिनके मैंने इस तरीके से स्लाइसेस काट लिए। अगर मशरूम्स नहीं है तो आप बगैर इसके भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। ठीक है, 2 अदद अंडे हैं जिनको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और मेरे पास ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, एक बड़े साइज़ की गाजर थी उसके मैंने छोटे छोटे से ये क्यूब्स काट लिए हैं। ठीक है, उसी स्टाइल में मैंने इस बंद गोभी को भी काट लिया। ठीक है, और थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका बनता है। और मेरे पास ये सूखी हुई लाल मिर्च ताज़ा वाली है जो ग्रीन सूख कर रेड हो जाती है। और ये मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, 2 लाल मिर्चें हैं। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप सिरिराचा सॉस के 3 चम्मच डालेंगे। मैंने क्योंकि ये भी डालनी थी इसलिए मैंने सिरिराचा जो है मैंने 1.5 चम्मच लिया। मेरे पास 3 हरी प्याज हैं जिनको मैंने गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया है। और ये मेरे पास 1 चम्मच ताज़ा लहसुन है जिसके मैंने छोटे छोटे से चंक्स काट लिए हैं। और 1 ही चम्मच तकरीबन मेरे पास 1 अंगूठे के साइज़ का मेरे पास अदरक का टुकड़ा था जिसके मैंने चंक्स काट लिए थे। तो फ्रेंड्स, हम और मेरे पास ये है, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये मेरे पास है 6 कप यखनी। ठीक है, जिसको मैंने 1 पाव विंग्स लेके मैंने बनाया, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला। ठीक है, ये 8 कप थे जब बॉयलिंग स्टार्ट किया था और तकरीबन 1 घंटा इसको पकाया है, तो ये मेरे पास 6 कप रह गए हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम एक पैन ले लेंगे, मैंने फ्राइंग पैन लिया, आप चाहें तो आप देगची भी ले सकते हैं। इसमें हम अपना ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम अपना अदरक और लहसुन के जो चंक्स थे वो डालेंगे। इनको अच्छे से तेज आग पे 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। ये अच्छे से सौटे हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने तमाम वेजिटेबल्स डाल के इनको स्टर फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जी फ्रेंड्स, हमारी वेजिटेबल अच्छे से स्टर फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको हम इस तरह एक डिश में फैला देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, इनके अंदर जो हीट कंटेंट है वो निकल जाए, मज़ीद ये ओवर कुक ना हो। ठीक है, अब हम अपने यखनी पर आ जाते हैं। इसी पैन में जो हमने 6 कप यखनी के रखे थे वो डाल देंगे। अब इसमें तमाम सॉसेस डाल देंगे। सिरिराचा सॉस गया, सिरका गया, सोया सॉस गया, काली मिर्च और नमक गई, हमारा जो चिकन का पीस था ये गया। अब हम इसको तेज आग पर पकाएंगे कि हमारा चिकन जो है वो बॉयल हो जाए और पक जाए। ठीक है, इसको कवर कर देंगे, आग तेज कर देंगे। जी दोस्तों, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा चिकन अच्छे से रेशा रेशा करने के लायक हो जाए। जी दोस्तों, तो हमारा चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे और श्रेड कर लेंगे।
अब इसके अंदर हम मशरूम्स ऐड कर देंगे, अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हमने स्टर फ्राई की थी वो मिला देंगे। अब इसको बॉईल आने देंगे एक। जब तक इसमें बॉईल आता है तब तक हम अपना चिकन श्रेड कर लेते हैं। जी दोस्तों, हमारा सारा चिकन श्रेड हो गया। अब हम इसको अपने सूप में डाल देंगे। जी दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हम इस स्टेज में इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर जो हमने रखा हुआ था उसको मैंने चार चम्मच पानी में घोल के मैंने उसको रख लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको थिक कर लेंगे। हमारा कॉर्नफ्लोर जो है उसने सूप को थिक कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर जो हमने दो अंडे रखे हुए थे वो डालेंगे। दोस्तों, मैंने मेरे पास ये छोटा सा ऑयल का जग था, उसके अंदर मैंने अंडों को डाल लिया ताकि जब मेरे अंडों के थ्रेड्स बने वो बिल्कुल परफेक्ट बने, और मुझे एक सिंगल धार में डालना था तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसके अंदर इसको डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितने परफेक्ट स्ट्रिंग्स बन रहे हैं हमारे अंडों के, रिबन्स बन रहे हैं, बल्कि इनको रिबन्स कहते हैं। माशाल्लाह, बस इसको हम 2 मिनट पकाएंगे। ठीक है, और फाइनली हम इसके अंदर हमारा जो शुगर था वो ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा स्वीट भी टच आ जाए, स्वीट एंड सॉर एंड हॉट सूप हो जाए। ठीक है जी दोस्तों, अब चूल्हा बंद कर देंगे, हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने घर के अंदर, ठीक है, रेस्टोरेंट साइज का, बल्कि उससे बड़े साइज का बाउल हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन पार्ट जो होता है हमारे हरे प्याज का, हम वो स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, और आज मैं आपको खुद टेस्ट करके बताऊंगा क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है ये सूप पीने को, मैंने काफ़ी टाइम से पिया नहीं है। ठीक है, मैं आपको खुद ही रिमार्क्स देता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत मज़ेदार बना है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उसमें धनिया का फ्लेवर जो आ रहा है और इसके टेस्ट को एनहांस कर रहा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।